वरना तो पीने का पानी भी नहीं। उन्होंने खुशी जताई है, वो कहते हैं कि हर महीने मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए। अब वो तो खुशी क्यों ना जताएं, खुशी जताएंगे क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और मैं बार बार आऊँगा, तो उनको निश्चित रूप से उनको जो है दिन में तारे दिखाई देंगे और वो यहाँ से भागने की तैयारी अपना करेंगी। इसलिए मैं कब आता हूँ कब नहीं आता हूँ वो उसमें से विश्लेषण करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, उन्होंने विश्लेषण किया कि हाँ जब मैं आया हूँ तो कम से कम कुछ सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है स्वाभाविक है, जितना ज़्यादा हम लोग जाएंगे करेंगे हमारा प्रशासन भी उतना जागरूक होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा 4 लाख का हरियाणा पे कर्जा है और कर्जे की राशि, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, विधानसभा में से उठ चुके हैं, उसका स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। उनके आंकड़े अपने प्रकार के हैं, आखिर ये सारी चीज़ें कोई उनके हिसाब से नहीं चलती, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, इसमें FRBM का जो रेशो होता है वो भी देखते हैं, इसमें CAG की रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें रिजर्व बैंक के आंकड़े भी हैं, सब आंकड़े हैं। आप स्वयं अध्ययन करेंगे आपको ध्यान में आएगा हम बहुत से प्रदेशों से अच्छे हैं और उनके समय से भी कई बातों में अच्छे हैं। हमारा प्रति कैपिटा इनकम आज सबसे ज़्यादा है, आज हमारा जो GST कलेक्शन है पर कैपिटा वो सबसे ज़्यादा है, आज हमारे इंडस्ट्री निवेशक वो यानी फर्स्ट जिसको कहना चाहिए प्रेफरेंस उनके रजिस्ट्रेशन की वो हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा लोकेशनल एडवांटेज भी हमको है, हम बहुत सी चीज़ों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट 3 स्टेट्स में हम आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ जितनी प्रगति हो रही है क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है, अपने ही आंकड़ों को कई बार वो झूठा साबित करते हैं। वो कहते हैं 2014 में उन्होंने 71,000 करोड़ रुपया ये कर्ज छोड़ा था, मेरा कहना है कि इसी बात पर बहस कर लें, वो 98,000 करोड़ रुपया था ना कि 71,000 था। पहला फैसला अगर वो कर लेंगे तो उसमें से 27,000 करोड़ के आंकड़े को अगर वो ठीक कर लेंगे तो फिर वो कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारी अपनी जो SOTR है स्टेट ओन्ड टैक्स रेवेन्यू वो लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारे गाँव में शहरों में जो हम उसका परसेंटेज देते हैं वो कहीं ज़्यादा देते हैं। आज गांव में शहरों में विकास के नाते पैसा भेजने में कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए उनके चौके समय में GSDP वो जो स्टेट का था वो मात्र 3 लाख, अब हमारे यहाँ अभी 8 साल के बाद वो GSDP लगभग 10 लाख करोड़ रुपये से आगे बढ़ गया, तो जो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है अकॉर्डिंगली वो सबकी सारी सिस्टम बढ़ेंगे ही, उसमें से बजट भी हमारा बढ़ा है। उस समय का उनका बजट 60,000 करोड़ रुपया था, आज हमारा बजट 1,83,000 करोड़ रुपया है, तो ये सारे साइज जब बढ़ते हैं उसमें से हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आंकड़ों में कहीं भी वो हमको उलझाएंगे हम उलझने वाले भी नहीं हैं। सरकार ने बताया है हर योजना में पब्लिक को जो लाभ मिला है पब्लिक संतुष्ट है, चाहे वो आयुष्मान की बात है, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात है, चाहे नौकरियों की बात है, एक एक चीज़ फुरेद करके मैंने पूछी है और उसमें सब जगह बल्कि कुछ जगह पर तो लोग कहते हैं आपके आंकड़े कम हैं, हमारे यहाँ नौकरियाँ इससे भी ज़्यादा लगी हैं, हमारे पास जो आंकड़े हैं वही बताएंगे, गलत आंकड़े बोलने का हम कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सबको बराबर प्रॉपर लाभ उन चीज़ों का मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं। जहाँ तक ई टेंडरिंग का विषय है आपने देखा है कि सब गांव के लोग और बल्कि जितने गांव में मैं गया हूँ सब सरपंचेस इक्का दुक्का ने ये कहा कि मजबूरी में हम वहाँ चले गए थे उनके साथ, लेकिन अब उनके साथ हम नहीं हैं, हम अपने गांव का विकास चाहते हैं, जितना पैसा हमने भेजा वो सारा लगा चुके हैं। मैंने तो अगले साल के बजट भी उनको हर गांव को बता दिए कि आपके यहाँ इतना बजट आएगा, आपका इतना आएगा, आपका इतना आएगा, सब उससे सरपंच आए हैं अभी भी करीबन 600 से 700 सरपंच है, क्या लगता है क्या कारण है कि वो पॉलिटिकल कारण उन 600-700 के लिए क्या है? उन 600-700 ने भी ये कह दिया है कि हम काम तो अपने कराएंगे, जो योजना है उसी में कराते रहेंगे, फिर भी हमारी डिमांड रहेगी कि ई टेंडरिंग का सिस्टम खत्म किया जाए, बढ़ाई जाए और बढ़ाई क्यों जाए ये लोग भी कहते हैं और जो वर्तमान सरपंच वो भी कहते हैं कि किस लिए बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं जो उनका मनसूबा सफल नहीं होने देंगे। रहते पोर्टल नहीं चलते, तमाम किसानों की फसलें खराब हुई है और कहीं ना कहीं 25,000 रुपये तक का मुआवजा देने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा हरियाणा में मुआवजा किसानों को मिलता रहा है। मई में आपने तमाम लोगों के खाते में पैसा डालने की भी बात की है। देखिए जहाँ तक पोर्टल का विषय है मैं विधानसभा में घोषणा कर चुका हूँ, अभी आज फिर घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार की सफलता जो पारदर्शी शासन है जिसमें ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज हर व्यक्ति तक पहुंच बनाना, हर परिवार तक पहुंच बनाना, उनकी योजनाएं, उनकी सेवाएं, ये करने का जो मौका अवसर मिल रहा है केवल पोर्टल के माध्यम से ही मिल रहा है। शायद हम अगर ये सिस्टम नहीं होते टेक्नोलॉजी के तो इतनी सारी सेवा जो जनता के कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा हमारा सर्वाधिक रहा है, पहले भी अभी भी मुआवजे में कोई कमी नहीं आने देंगे और अब तो काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना
प्रीमियम जो है बैंकों से कटाया है उसका लाभ भी उनको मिलेगा। निश्चित रूप से वो लाभ उनको ज़्यादा मिलता है क्योंकि प्रीमियम देते हैं सरकार। बिना प्रीमियम के ही जो लोग रह जाते हैं उनको मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा देते हैं मई के महीने में सबको मिलेगा। पहला दौरा भिवानी जिला का 3 दिन का ये मेरा आज पूरा हुआ है। इस दौरे में खरकला, खरक खुर्द, कलिंगा, चांग, भिवानी, इसके बाद अगले दिन धनाणा से पहले तिगराना, पुर, वाणीखेड़ा, कलियाली और पापोड़ा, विनोद, उसके बाद खुशाम से आज सुबह धुलेड़ी, धुलेड़ी से संडवा, संडवा के बाद चांग, कैरू। इतने सब गांवों के अंदर मेरा दौरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं उन पर भी सबने मोहर लगाई है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, प्रोएक्टिव मोड पर चाहे पेंशन बनाने की बात हो, चाहे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा उसके नाते से लोगों को जो लाभ मिला है उसको भी लोगों ने कन्फर्म किया है। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के नाते से लोगों को जो रोज़गार देने की हमने मुहिम चलाई है, भी जितना हमने विकास का काम यहाँ खर्च किया है उसके ऊपर भी सबने बताया कि सर्वाधिक पैसा इस 8 साल में यहाँ सब इलाकों में खर्च हुआ है। आगे भी जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके इस ज़िले की समस्याओं में मुख्य रूप से पीने के पानी की समस्या, कहीं कहीं पानी की निकासी की बात, और जो अभी ओलावृष्टि हुई है, वर्षा ज़्यादा हुई है उसमें गिरदावरी और उनका मुआवजा, ये भी विषय भी लोगों ने रखा है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएँ ये सब आई हैं उसको भी हमने कलेक्ट किया है। लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है पहुँचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुँचाई है, इनके सबकी जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा। और प्रदेश के इन्हीं सरकार के नाते से हर विभाग या स्थानीय तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और SP ये सब अपने अपने काम को पूरा करके और जल्दी इन तक हम संपर्क करके इनके बारे में जानकारी देंगे। देखिए अभी क्योंकि इस इलाके में पानी बहुत कम आता है, एक तो पानी की कमी है, दूसरा ये दूर दराज का एरिया है, तो जिन नहरों में या रजवाहों में अभी 7 दिन के बजाय 3 दिन पानी आता था, 7 दिन ही आना चाहिए था, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बार से 7 दिन पूरा चलेगा। उसका रोटेशन पानी की उपलब्धता के हिसाब से तय होगा कि उस पानी को 7 दिन से और ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है। अगर पानी ऐसी चीज़ है उपलब्ध होने पर ही आगे सप्लाई किया जा सकता है, अन्यथा पानी का और जो स्रोत हैं हमारे उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे पानी बढ़ेगा तब देंगे। हमने अपील की है कि पानी का उपयोग भी कम करें, खास करके मेरा पानी मेरी विरासत धान की बिजाई कम करके और फसलों की बुआई करें। रिचार्जिंग वर्षा के दिनों में पानी का होकर के और ज़मीन में पानी जाना चाहिए, और जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हैं, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनको बढ़ा करके भी पानी का रीयूज़ इसको भी सुनिश्चित करें। सर देखिए CSC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लेकिन उसके निश्चित हैं रेट तय है कि ये रेट वो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रेट अगर लेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। एक विषय में जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है कि वो पैन कार्ड को और आधार कार्ड के साथ मिलाने के लिए 1,000 रुपया कटता है, इसकी मैं जानकारी लूँगा। अगर ये कोई सरकारी तौर पर निर्देश है तो वो तो करना ही होगा, अगर सरकारी नहीं है और उसको बिना किसी सूचना के वो काटते हैं तो उसको हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए CSC का जो जनता के साथ संबंध है वो कैसे अच्छा रहे, क्योंकि सारी सेवाएं इन CSC के माध्यम से, जो हमारे पोर्टल हैं, टेक्नोलॉजी, हमारे वेबसाइट, सब चीज़ें डिमांड वो CSC के माध्यम से ही होती है। आज हरियाणा में मुझे लगता है लगभग 10,000 CSC ऐसी हैं, तो इन CSC की संख्या अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो भी बढ़ाएंगे। जहाँ तक चुनाव का विषय है, क्योंकि भैया रणनीति के विषय होते हैं, रणनीति कोई पहले दिन नहीं होती है, रणनीति उस समय जिस दिन सफल हो, तो जो रणनीति की बातें हैं वो आपको मौके पर आपको बताएंगे। हरियाणा का एक प्रकार से मैंने प्रवास नए सिरे से शुरू किया है। ये जो 5 साल के टर्म में आपको पता है कि 2 साल पहले हमारे कोविड में खराब हुए, तीसरे साल में हमने जितनी योजनाएं नई जनता की सहूलत के लिए ईज ऑफ लिविंग, बिजनेस ईज ऑफ लिविंग के नाते से जो योजनाएं हमने बनाई थी, खासकर के परिवार पहचान पत्र उससे जुड़ी सभी योजनाएं और सेवाएं, अब उसको इस समय ज़मीन पर कितनी पहुँची हैं, कितनी नहीं पहुँची हैं, या फिर लोगों की अपनी कोई कठिनाइयाँ, कोई उनको सुझाव, कोई उनकी डिमांड्स। लगभग 100 गांव ऐसे हरियाणा के जो 1966 बल्कि उससे पहले ही चकबंदी शुरू हो गई थी ज्वाइंट पंजाब में, जो आज तक नहीं हो पाए हैं, उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं,
कुछ स्टाफ का नहीं, ये बात भी ठीक है। कहीं कहीं गांव में झगड़े हैं अपने, वो भी ज़्यादा उसके अंदर आड़े आ रहे हैं। कहीं कहीं जो सामना ज़मीनें हैं उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, तो ऐसे कई मसले हैं। लेकिन उस पर अब नए सिरे से हम जो कानून में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा तुम करेंगे, लेकिन ये 100 गांव की चकबंदी आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम करेंगे, ऐसा मेरे को।